हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग निकल गए हैं और आज 2 अक्टूबर की प्लानिंग जो थी हम लोगों की, सबसे पहले तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो जाएंगे राजघाट जाएंगे और वहां पे शायद 12 बजे से पहले करीब करीब प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन हम लोग इवनिंग हो गया निकले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं क्रम में यहाँ पे दिख रहा है कि लाल किला पहुँच गए हम लोग शायद, और यहाँ पे लाल किला घूमेंगे, फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाल किला। हालांकि यहाँ पे भी टिकट मिलना बंद हो गया है, तो जो जहाँ से टिकट लेने के बाद जाना होता है वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग बाहर बाहर घूम रहे हैं। इसके बाद पास में लगा यहाँ पे जामा मस्जिद है, तो वहाँ जामा मस्जिद जाएंगे, और जामा मस्जिद जाने के बाद में फाइनली यहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ से जा रहे हैं अभी हम लोग राजघाट जा रहे हैं सॉरी, और यहाँ से अभी हम लोग राजघाट पहुँचेंगे और फाइनली लग रहा है कि हम लोग पहुँचने वाले हैं राजघाट। जाने के क्रम में यहाँ पे एक दो और शक्ति स्थल भी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं और आगे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से उतर कर जाना है राजघाट। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे, और 2 अक्टूबर चूँकि गांधी जयंती है, इस डेट में इंडियन तो है ही है, साथ में और सारे बहुत सारे कंट्री से भी लोग आए हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे इंटर कर चुके हैं और बापू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इंटर किए हैं और अंदर जा रहे हैं। अंदर यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ और कुछ फॉरेनर लोग भी यहाँ को दिखाई देंगे, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली जूता निकाल कर, यहाँ पे जूता चप्पल अगर पहन के आ रहे हैं तो निकाल के जाना था, और यहाँ पे सेल्फ सर्विस था, निकाल के आपको ऐसा नहीं है कि कुछ पेड करना है, निकाल के स्लॉट बना है वहाँ पे आप रख के और यहाँ से जा सकते थे अंदर। तो फाइनली यहाँ पे सामने दिख रहा है वहाँ पे बापू का जो बना हुआ है वहाँ पर श्रद्धांजलि देने का स्थल, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरीके से टाइट है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री जी भी आए थे, हालांकि अभी हम लोग लेट से आए हैं, तो इस बात की क्लेरिफिकेशन एग्जैक्ट हम नहीं कर पाएंगे, और लेकिन एक क्लेरिफाई ज़रूर कर सकती, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी फॉरेनर भी आए हुए हैं यहाँ पे, माहौल भी मतलब काफ़ी गमसीन लग रहा है, और इसको देख के भी लग रहा है कि बापू को सिर्फ इंडिया में ही नहीं और विदेशों में भी लोग मानते हैं। और फाइनली यहाँ पे निकल के हम लोग आसपास थोड़ा सा जगह घूमने का कोशिश किए, काफ़ी अच्छा जगह है, इसको भी बनाया गया है राजघाट को, यहाँ पे आप लोग भी आकर घूम सकते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं या कभी आते हैं तो एक बार आके यहाँ अवश्य घूमें। तो फाइनली यहाँ से अभी हम लोग निकल के अब इंडिया गेट के लिए जाएंगे, तो देख सकते हैं कि हम लोग इंडिया गेट पर फाइनली पहुँच गए हैं। हमको यहाँ से कुछ ही देर में हमको यहाँ पर सामने से देख रहे हैं आप लोग, इंडिया गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं शाम का समय है, 6 करीब बज रहा है, और एक्चुअल में यहाँ का नज़ारा जो है रात को ही देखने में अच्छा लगता है। इसके जस्ट बाद में हम लोग यहाँ वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो बहुत सारे जो कहानियाँ वीर गाथाएँ लिखी गई है से हमारे देश के जवानों की, उन सभी चीज़ों को एक बार देखेंगे। हालांकि टाइम का अभाव है तो ज़्यादा समय हम लोग तो यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन फिर भी देख के यहाँ पे अंदर जैसे वार मेमोरियल में हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे राउंड में बनाया गया है इसको, और यहाँ पे जो मसाल है यही ऐसा मसाल है जो कि कंटिन्यू हमेशा हमेशा के लिए जलाया जाता है, वो अभी तक बुझा नहीं, उसको कभी बुझने ही नहीं दिया जाता है। और फाइनली यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी लिखी थी, लेकिन जैसे कि यहाँ पे लोग कुछ लड़ाई लिखी थी हम लोग पढ़ नहीं पाए, इस समय की अभाव थी, यहाँ पे जैसे गंगा सार की लड़ाई इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। आगे भी इसी तरीक़े से देख सकते हैं, मतलब हमारे देश में जो हमारे वीर सैनिकों द्वारा जो कुछ भी अचीवमेंट किया गया है उसकी गाथाएं शब्दों में करनी पॉसिबल तो नहीं है, संभव नहीं, लेकिन उसको कोशिश किया गया कि उनके बखान को, उनको हम लोग याद रखें, इसके लिए सजा के रखा जाए उनके धरोहर को जो हमारे लिए उन्होंने किया है। और फाइनली यहाँ पे एक स्मारिका करके संग्रहालय है, यहाँ से आप वेलफेयर के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, यहाँ से आप कुछ सामान भी खरीदना चाहे